नमस्कार। बिल्कुल, यूनियन बजट 24-25 आ चुका है। हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर में और खास करके कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें तो काफी नए चेंजेस हमने आते हुए दिखे। सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं हम सोने चांदी में, जहां पे हमने देखा कि पिछले 10 साल से हमने ड्यूटी के अंदर कोई भी रिडक्शन नहीं देखा। हर बार बजट में उम्मीद रहती थी कि कुछ रिडक्शन आएगा, बट होता नहीं था। बट इस बार हमने देखा 15% से रिडक्शन करके 6% कर दिया गया, जिसका रिजल्टेंट सोने और चांदी में हमने गिरावट आती हुई देखी है। इसके अलावा अगर हम कैटेगरी वाइज करें तो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल एलोकेशन, जहां पे लगभग बताया जा रहा है 1.52 लाख करोड़ के आसपास का एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को सपोर्ट दिया जा रहा है। वहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस रहा है, जहां पे लगभग 100 से ज्यादा नई क्रॉप की वैरायटी रिलीज कर दी गई है। साथ में इनिशिएटिव एंड मिशंस की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पल्सर्स और ऑयल सीड पे चिंता पिछले 2-3 सालों से लगा रखा था, बट इस बार हम देख रहे हैं कि सेल्फ सफिशियंट मिशन के तौर पर पल्सर्स ऑयल सीड, जहाँ पे ग्राउंडनट, सिसमे सीड, सनफ्लावर, इन पे फोकस रहा जाएगा, जहां पे हम यील्ड में इंप्रूवमेंट देखेंगे। और साथ में इसी चीज को फार्मर को भी सपोर्ट करने की बात बताई जा रही है कि करीबन 1 करोड़ फार्मर को एडॉप्ट करवाएंगे नेचुरल फार्मिंग, और साथ में सपोर्ट करेंगे ब्रांडिंग एंड सर्टिफिकेशन। जैसे कि हम ग्लोबल मार्केट में देख रहे हैं कि अब ब्रांडिंग मतलब GI टैग को लेकर या पैकेजिंग को लेकर काफी डिमांड है, तो उस चीज के लिए भी फार्मर को सपोर्ट किया जाएगा। डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी को कैसे डिजिटल के द्वारा हम इंप्रूव कर सकते हैं। वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर जो है डेवलपमेंट, वहां पे हम कंजम्पशन सेंटर के कैसे करीब लेके आ सकते हैं या वेयर हाउसिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लॉजिस्टिक, इन पे भी हम देखेंगे डिजिटल के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। मार्केट प्राइसिंग को लेकर भी काफी चिंता बनी हुई थी, यहाँ पे हमने देखा हायर MSP तो ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई है। साथ में नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी का गठन किया जा रहा है, जहाँ पे लार्ज स्केल क्लस्टर बताए जाएंगे, डेवलपमेंट किया जाएगा और FPO को हम देख रहे हैं कि और ज्यादा पावरफुल बनाया जाएगा, ताकि फार्म तक चीजों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा रहे। साथ में गवर्नमेंट ने क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन पे भी ध्यान दिया है, जहां पे MSME के लिए हमने देखा है कि फंड का जो शॉर्टेज हुआ करता था उसको भी एड्रेस किया गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो काफी VCP वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन रहता है। यहाँ पे हम फंडिंग जो पहले कंसर्न था वहां पे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। साथ में हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है वो 7 साल के लो पे पहुंच चुकी है, 1.8 के आसपास 2024 की अगर फाइनेंशियल की बात करें, तो इसको भी चैलेंजेस पे देखा जा रहा है कि कैसे इसको इंप्रूव किया जाए। मानसून की इरेगुलरिटी हमने पिछले 2-3 सालों से देखा, इस बार लानिनो जरूर है बट पहले इसका इंपैक्ट भी पड़ा था। तो कुल मिला के बजट फार्म रिलेटेड अगर हम बात करें या कमोडिटी रिलेटेड काफी विन विन रहा है, जहां पे हमने ड्यूटी कट भी देखी है नॉन एग्री कमोडिटी के अंदर, और एग्री कमोडिटी के अंदर फाइनेंशियल एलोकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनिशिएटिव एंड मिशन, डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब देखा गया। तो कुल मिला के फाइनेंशियल मार्केट एग्री मार्केट के लिए अगर हम देखें तो काफी विन विन सिचुएशन रही है।